सरकार का आप देखिए हिसाब किताब कैसे चल रहा है और कितनी अंदर से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई चार आदमी चलो हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेके चलने। हमने कहा चल भैया एडवोकेट हम पांचों को आप सबने रिकॉर्ड किया गाड़ी में बिठा के हमें ले गए तो हमारा अपहरण करके इसे अपहरण कहेंगे कानून की भाषा में हमारा अपहरण करके हमें धोखा दे के 420 हुई चीटिंग की हमारे साथ सो हमें कह के सुप्रीम कोर्ट और वहां से उठा के ले गए हम मंदिर मार्ग थाने कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो रही है। माना आप कुकर लेने चले जाओ तो उस पर लिखा तो ना आईएसआई मार्क उसका सर्टिफिकेशन होता है। ईवीएम मशीन के पास है क्या, वीवीपैट मशीन के पास है क्या, ये किसने बनाई, इसका कोई डाटा उसके पास है क्या, जिसने बनाई क्या उसने पेटेंट कराया, ये है क्या उसके पास। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना कुरैशी और रावत इन दोनों को चैलेंज, वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है मैदान में आओ ना। बेईमान कौन है, सरकार, और सरकार किसकी है, कौन चला रहा, एक ही आदमी तो है देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेईमान असली वो है वो जो सच सामने नहीं आने देता। संयुक्त मोर्चा की इस आज की प्रेस वार्ता में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बहुत मजबूत प्रहरी मेरे सभी प्रेस वाले साथियों का आज बहुत बहुत अभिनंदन, आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो दो तीन बातें हैं साथियों, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया जो अभी आदरणीय भाई राजेंद्र गौतम जी ने बताई हैं और भाई महमूद पराचा जी ने बताई हैं कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो रही है और किस तरह से इस धांधली को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए दो पहलवान मोदी सरकार ने मैदान में उतारे हैं जो पिछले हैं खिलाड़ी। और बार बार जगह जगह जाके इलेक्शन कमीशन अभी ये मशीनों को दिखा रहा, डेमोंस्ट्रेशन कर रहा है, देखो हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल उनसे, इलेक्शन कमीशन से, हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं है पर फिर भी मैं कहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा रहा है दिखाने से पहले ये बताता है कि ये ईवीएम मशीन की जो तकनीक है वो क्या है, ये बताता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है, ये बताता है कि इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, बताता है क्या, ये बताता है कि ये जो मशीनें हैं ये कहां से सर्टिफाइड हैं, किस जगह से सर्टिफाइड हैं। आप अगर खाने की चीज लेने जाते हो तो उस पर IFSSI का निशान होता है, होता नहीं होता, FSSI का निशान होता है, नहीं होता, बाकायदा उसकी मोहर लगी, यानी वहां से सर्टिफाइड है। आप और कोई चीजें लेते हो तो ISI का निशान होता कि नहीं होता, सर्टिफाइड होता। माना आप कुकर लेने चले जाओ तो उस पर लिखा तो ना ISI मार्क, उसका सर्टिफिकेशन होता है। ईवीएम मशीन के पास है क्या, वीवीपैट मशीन के पास है क्या, ये किसने बनाई, इसका कोई डाटा उसके पास है क्या, जिसने बनाई क्या उसने पेटेंट कराया, ये है क्या उसके पास में, कराया तो कहां कराया। ये जो सारी चीजें टेक्नोलॉजी, हम एक एक चीज को जानते हैं और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना कुरैशी और रावत इन दोनों को चैलेंज, वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है मैदान में आओ ना, मैदान में आके खुली डिबेट करते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ और उस समय जो सच सबके सामने आएगा उसे दुनिया को दिखाओ। नहीं मशीन भी एक्सचेंज करो, हम अपनी दे रहे हैं आप अपनी दो, निश्चित रूप से पता लगेगा ना। तो ये सब कुछ उनमें हिम्मत नहीं है, ये किसी कोने में बिठा के कहीं कैसे ये टर टर मचाने के लिए लोग खड़े कर दिए हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं है और इस देश की जनता भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इस सबके पीछे है कौन, असली जो चीज है सबके पीछे है कौन, क्या इलेक्शन कमीशन, नहीं, महमूद भाई ने बता दिया इलेक्शन कमीशन तो जिसने अपॉइंट किया है वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो तो उसके लिए काम करता है, और किया किसने, सरकार ने। तो असली खेल किसका है इसके पीछे, इसके पीछे खेल है सरकार का। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे हमें रोका किसने, दिल्ली पुलिस ने, किसके अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में, कौन है मुखिया, अमित शाह, अमित शाह और मोदी कौन है, दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सरकार ने हमें रोका, क्यों,
कि जनता के सामने सच ना आ जाए। वो समझ गई है कि ये तो इतनी बुरी तरह से तुल गए हैं, ये तो ऐसे आके मैदान में डट गए हैं कि इनसे कैसे जान बचाई जा। तो इन्हें कम से कम वहीं तक जाने से रोको आप, ताकि सच ना पता लग जाए। और यही चीज हुई परसों। परसों हम कर रहे थे, क्या अपराध था हमारा? कोई अपराध नहीं। उस दिन मैक्सिमम संख्या में, हजारों की संख्या में एडवोकेट्स थे, कुछ हमारे और भी साथी थे सिविल सोसाइटी के, लेकिन मैक्सिमम, आप तो सारे मीडिया के साथी वहां पे थे, आपने तो अपनी आंखों से देखा, वो सारे के सारे साथी जो वहां पे थे एडवोकेट थे। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाना चाह रहे थे। क्यों जाना चाह रहे थे? हमारे साथ में बैठे हैं, ये देखिए अतुल भाई जी बैठे हैं, अतुल पटेल जी, ये गुजरात से हैं, और अपनी जान को जोखिम में डाल के ये जगह जगह वीवीपैट का प्रदर्शन, ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये अपनी मशीन लेके आए थे, और हम बाकायदा जाके उस मशीन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पुलिस कहती है कि आप जा नहीं सकते, धारा 144 लगी है। भाई धारा 144 लगी है तो मुहजवानी थोड़ी लगती है, कुछ कागज पर लिखत पढ़त हुई होगी, किसी ने तो जो कागज बनाया होगा, आदेश दिया होगा। महमूद भाई ने पूछा तो कहां भैया धारा 144? हमारे पास नहीं है धारा 144। तो वैसे ही कह रहे हो भाई, तुम सरकारी आदमी हो, हम वकील हैं, कानून की बात कर रहे हो, हम कानून की बात कर रहे हैं, तो दिखाओ धारा 144। पुलिस ने धारा 144 का कागज हमें नहीं दिखाया, कोई आदेश नहीं दिखाया। इसका मतलब साहब है कि धारा 144 नहीं है, उन्होंने मुहजवानी कर रखी है। और एडिशनल डीसीपी डीसीपी वगैरह भी सब वहां पे थे। फिर वो कहने लगे कि भाई हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो वहां से सुप्रीम कोर्ट से आया है आदेश कि भाई इनको यहां तक नहीं पहुंचने देना। तो महमूद भाई ने कहा कि भैया फिर उसे दिखा दो, जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, चीफ साहब से आया है या कहां से आया, तो उसे दिखा दो कि इन्हें वहां नहीं जाने देना, कि वो नहीं, हम वो भी नहीं है उस पर। और क्योंकि आपको मालूम है कि गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस है भाई, गाइडलाइंस दिखा दो, तो गाइडलाइंस भी नहीं दिखा रहे। मतलब सब कुछ मुंह जवानी है यार मेरे, तुमने वर्दी पहन रखी है, शेर का निशान तुम्हारे इस टोपी पर लगा है, तुम संविधान के तहत काम कर रहे हो, कानून के तहत काम कर रहे हो, हम कानून के लोग हैं, कानून दिखाओ ना हमें रोकने का। और फिर भी अगर हम मान लेते हैं तो धारा 144 हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़ा ही है। संविधान का अनुच्छेद 19 और संविधान का अनुच्छेद 21 इस देश के हर नागरिक को, हर किसी को, 140 करोड़ नागरिकों को अधिकार देता है कि वो कभी भी कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी हथियार के अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। ये संविधान, तो धारा 144 संविधान के ऊपर थोड़ी है, संविधान ऊपर है। बावजूद उसके हम कानून के मानने वाले हैं, हमने किसी ने किसी भी तरह का कानून के विरुद्ध जाके काम करने की, हालांकि था नहीं, फिर भी हमने उनकी बात मानी। तो उन्होंने क्या कहा हमसे, अब आप देखिए कि क्या चालबाजी शुरू होती है सरकार का, आप देखिए हिसाब किताब कैसे चल रहा है और कितनी अंदर से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई चार आदमी चलो, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेके चलने। हमने कहा चल भैया, तो हम पांच आदमी हो गए, एक मैं था, एक महमूद भाई, एक हमारे सत्य प्रकाश जी एडवोकेट, एक हमारे साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट, और एक आदमी हमारे साथ दीवान सिंह एडवोकेट। हम पांचों को आप सबने रिकॉर्ड किया, गाड़ी में बिठा के हमें ले गए। अब जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बड़ी मजेदार बात होती है, वो जो बेचारे तीन चार पुलिस वाले थे वो कह रहे उतारो भाई, गाड़ी रोक ली वहां। तभी कोई फोन आता है, मुझे पता नहीं कहां से आता, ऊपर से आता है, क्योंकि आजकल तो ऊपर से आते ना, तो ऊपर से आया होगा। तो वो फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई इन्हें मंदिर मार्ग लेके जाओ। हमने कहा भाई यहां की बात हुई थी, अब मंदिर मार्ग, तो हमारा अपहरण करके, इसे अपहरण कहेंगे कानून की भाषा में, हमारा अपहरण करके हमें धोखा दे के 420 ही हुई, चीटिंग की हमारे साथ। सो हमें कह के सुप्रीम कोर्ट, और वहां से उठा के ले गए हम मंदिर मार्ग थाने, डेढ़ घंटे रखा और उसके बाद छोड़ा, और उसके बाद हमने सारी बातें सबको बताई। तो ये सब कौन करा रहा है सरकार, बेईमान कौन है? ये तो ईमानदार कह रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, बेईमान कौन है सरकार, और सरकार किसकी है, कौन चला रहा? एक ही आदमी तो है, देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेईमान असली वो है, वो जो सच सामने नहीं आने देता। तो वो जो सारी चीजें हैं, सब कुछ लगातार हो रही है, और सरकार अंदर से बहुत डरी हुई है। और लोगों का रेस्पॉन्स, मैं धन्यवाद आपको बार बार देता हूं कि आप जिस तरह से हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हो,
लोगों का रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है कि हमारा जो फोन है वो हर समय एंगेज आ रहा है, इतने फोन लगातार आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी उसके विषय में क्या करना है हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब सारी चीज बताएंगे, पर मैं एक चीज आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूं, हमारा प्रोग्राम अब इसके साथ साथ जो आगे चलेगा, इस समय 17 तारीख से यानी कल से जो प्रोग्राम हमने बताया था कि जो ज्ञापन देना है राष्ट्रपति को, वो 17 तारीख से सिग्नेचर करा के 25 तारीख को मतदाता दिवस पर हर जिले में देना है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने अभी से देना शुरू किया, उसके विषय में हिजम राजेंद्र सिंह साहब के कहां कहां दिया जा चुका है वो बताएंगे आपको। लेकिन मैं उससे आगे की जो बता रहा हूं कि आगामी जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको और पूरे देश में लोगों को जाना बहुत जरूरी है, और इस बात को जितने भी हमारी स्टेट की यूनिट हैं, जितने भी देश भर में जिलों में और लोकसभाओं में हमारे साथी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये उन सबसे हमारा निवेदन है कि वो तैयारी इसके हिसाब से करें जो आगामी प्रोग्राम हमारा होने वाला है। मैं बता देता हूँ वो तो जो प्रोग्राम है कपिल जी बता देंगे, प्रोग्राम के विषय में उसको 31 की को छोड़ देता हूँ, बाकी वो बता देता हूँ, ठीक है। हमारी जो नेशनल लेवल पे हर स्टेट में उनकी राजधानियों में जो मीटिंग शुरू होंगी वो 27 तारीख से शुरू हो रही है, 26 तारीख के बाद, क्योंकि 26 तारीख का गणतंत्र दिवस है, हम उसके विषय में कहीं नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की कोई बात हो, तो वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। हो सकता है इन डेट में हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े, लेकिन ये टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो ये है, 27 जनवरी को हैदराबाद में हमारी बड़ी मीटिंग होगी इस ईवीएम के मसले को लेकर, 28 जनवरी को राजस्थान में गुजरात में राजकोट में हमारी मीटिंग होगी इस ईवीएम को लेकर, वहां और बड़ा प्रोग्राम है। 29 तारीख को हमारी मुंबई में मीटिंग होगी, तो मुंबई के जो साथी हैं वो सब इसके माध्यम से जो खबर आ रही है पहुंचेगी आप तक, तैयारी करें, राजकोट वाले भी तैयारी करें, हैदराबाद वाले भी साथी तैयारी करें। 30 तारीख को हम लोग बेंगलोर में हमारा प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद 2 तारीख को हरियाणा रोहतक में हमारा प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमारा प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद 6 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल में हमारा प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद 8 तारीख को राजस्थान जयपुर में हमारा प्रोग्राम रहेगा, और उसके बाद दिल्ली में 11 फरवरी को जो प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में होगा, और दिल्ली में इस बार ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा जो अब तक नहीं हुआ है, वो प्रोग्राम इस ईवीएम को लेकर दिल्ली में जबरदस्त तरीके से होगा। बस इतना ही मुझे बताना है। और इसके नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।